बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक कुत्ता था जो खाने की तलाश में दिन रात सड़कों पे घूमता रहता था। एक दिन उसे एक बड़ी रसीली हड्डी मिली और उसने तुरंत उसे अपने मुंह के बीच में पकड़ लिया। घर की ओर वो चलने लगा। घर के रास्ते में उसे एक नदी पार करनी पड़ी। वहाँ उसने गौर किया कि एक और कुत्ता ठीक उसी की तरफ देख रहा था, वही जिसके मुँह में भी एक हड्डी थी। इससे इस कुत्ते के मन में लालच उत्पन्न हुई और वह उस हड्डी को अपने लिए चाहने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, जिस हड्डी को वह काट रहा था वह नदी में गिर गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह दूसरा कुत्ता और कोई नहीं बल्कि उसकी ही परछाई थी जो उसको पानी में दिख रहा था। अब जब कि उसके मुंह की हड्डी गिर चुकी थी पानी में, इसलिए उस रात को वह भूखा ही रहा और अपने घर चला गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करते हैं तो हम लालची कुत्ते की तरह सबक सीखना पड़ेगा। वही जो हमारे पास पहले से है हम उसे भी खो देंगे।